हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनका मैं आपसे तारुफ कराता हूं, जिनको मैं आपसे मिलवाता हूं। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी वाइस चांसलर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। मैं चाहता हूं सर एक बार प्लीज आप स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि अभी तक आपने ये जाना कि टीकाकरण की क्या भूमिका है, आपने ये देखा कि कैसे राजस्थान आगे बढ़ रहा है, आपने ये देखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जहां पर भी कोशिश थी वहां पर हम लोग कैसे प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, और उससे जुड़े तमाम सवाल जवाब हमने आज तक पहुंचाए। लेकिन अब हमारे साथ में डॉक्टर सुधीर भंडारी जी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, तकनीकी बहुत जरूरी है आज के क्षेत्र में, और टेलीमेडिसिन इसके क्या फायदे हैं ये, इसके बारे में डॉक्टर सुधीर भंडारी जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ श्वेता आप आइए और डॉक्टर सुधीर भंडारी जी का स्वागत किया जाए। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। श्वेता, बस चाहता हूं कि दो मिनट का वक्त मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है, टेलीमेडिसिन के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, तो उनको एक बार पता चल जाए कि आखिर टेलीमेडिसिन होती क्या है। तो डॉक्टर सुधीर भंडारी जी से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे बताएं, और जितने भी लोग यहां पर हैं उनको बताइए कि आखिर टेलीमेडिसिन होता क्या है। सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं टाइम्स नाउ निर्माण ग्रुप का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया गया और आपसे बात करने का मौका मिला। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। मैं सोचता हूँ आजकल स्टूडेंट्स हम लोगों से ज़्यादा टेक्नोसेवी हैं, दे आर मास्टर्स, प्रॉब्ली उनके फिंगर टिप्स के ऊपर सारे मोबाइल के ऐप्स होते हैं और बहुत ज़्यादा टेक्नोसेवी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ टेलीमेडिसिन। मैं ब्रीफली एक आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि कैसे मेडिकल और हेल्थ फील्ड का टेलीमेडिकेशन एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमें मिला जब हमने कोविड को हैंडल किया कि कैसे रिमोटेस्ट एरिया में दूर दराज के अंदर हम टेक्नोलॉजी को लोगों को समझा पाए, हम अपने मैन पावर को ट्रेन कर पाए, और टेलीमेडिसिन के द्वारा कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर पाए। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि टेलीमेडिसिन क्या है। ये आप देखिए, टेलीमेडिसिन एक वो वर्चुअल कनेक्शन है जिसमें ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ एक डिस्टेंटली रिमोटली प्लेस्ड जगह पे किसी नीडी को दी जाती है। आज अगर किसी को जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है, वो हमसे कनेक्ट करता है, हम उसको तुरंत उसका ECG जो कि ऑनलाइन के द्वारा हमें कन्वे किया गया है, हम बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। ये देखिए, आप सब लोगों को विदित है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल मीटिंग के लिए इस तरह का हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। थ्रू सैटेलाइट, थ्रू द नेट कनेक्शन, हमारे पास इस तरह की इक्विपमेंट होने के कारण हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही है कि इट इज़ ए रिमोट एरिया में हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ बनाने का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि राजस्थान इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन द हेल्थ मॉडल। हमारे प्रदेश के अंदर जो हेल्थ मॉडल है, मुझे काफ़ी देश में और विदेशों में ट्रैवल करने का मौका मिलता है। हमारे प्रदेश का जो हेल्थ मॉडल है उसकी नेशनली नहीं इंटरनेशनली एक्लेम्ड सिस्टम है, जो बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर तीनों लेवल पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पूरे प्रदेश में उपलब्ध है। उसको और स्ट्रेंथन हम टेलीमेडिसिन के द्वारा रिमोट एरियाज में कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जान के ताजुब होगा, टेलीमेडिसिन आज का उत्पत्ति नहीं है, आज नहीं है, टेलीमेडिसिन हिस्टोरिकल समय से, लॉन्ग बिफोर, फ्रॉम डिकेड्स एंड सेंचुरीज बिफोर, ये हिस्ट्री में भी आपको टेलीमेडिसिन देखने को मिलती है। और टेलीमेडिसिन आप देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और जब आपका इसका टेलीफोन का आविष्कार हुआ था अलेक्जेंडर और ग्रांड बेल द्वारा, ह्यूगो जम्सबैक जिसने टेलीडेक्टली किया था, और उस एज अर्ली एज 1876 में भी टेलीमेडिसिन को उसको यूज़ किया गया है। और ये टेलीमेडिसिन आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगी, 20th सेंचुरी के अंदर वीडियो चैट के द्वारा लोगों ने एक दूसरे को कंसल्ट किया था। आप विदेश में गए हैं, आप बीमार हो गए,
आप अपने किसी परिचित डॉक्टर को बात करते हैं, वो आपको टेलीमेडिसिन के द्वारा गाइड करते हैं और उसके द्वारा आप हर तरह के हैंडल कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन के कई प्रकार होते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप जो आपकी मेमोरी स्टोर्ड है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट जो आपके कंप्यूटर या फ़ोन में लोडेड है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, आपको जान के बहुत ताजुब होगा, कोई व्यक्ति दूर दराज एरिया में ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसको मॉनिटर लगा हुआ है, उसको टेलीमेडिसिन के द्वारा डॉक्टर के मोबाइल से या डॉक्टर के लैब से कनेक्ट किया जा सकता है, वो पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है और एक रियल टाइम इंटरेक्शन भी उसमें हो सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली हर मेडिकल स्पेशलिटी में टेलीमेडिसिन का रोल है, बट कुछ जो मुख्य स्पेशलिटीज़ है, रेडियोलॉजी, मैं उदाहरण देता हूँ, आपके किसी जैसलमेर के गांव में या डूंगरपुर के गांव में सीटी स्कैन लगा हुआ है, वहाँ आपने सीटी स्कैन कर लिया बट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, वो ऑनलाइन उस स्कैन की पिक्चर बड़े हॉस्पिटल में आती है, डायग्नोसिस चला जाता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे सरकार ने डेवलप किया है, राजस्थान इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट इन द कंट्री। जो प्रोएक्टिव अप्रोच है हमारी गवर्नमेंट की, छोटी से छोटी जगह द इन्वेस्टिगेटिंग फैसिलिटीज़ जैसे सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और इको अवेलेबल है, दूर दराज एरिया के अंदर ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो टेलीमेडिसिन के द्वारा क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। पीडियाट्रिक बच्चों का केयर एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चों में बहुत स्पेशलाइज ओपिनियन की ज़रूरत होती है और कई स्किन लेजन्स होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ईजी होता है किसी की स्किन की प्रॉब्लम हो गई, कहीं छोटी जगह जहाँ पे बहुत एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, वो स्किन का फोटो टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शेयर करते हैं, जिसके उनको बहुत ट्रीटमेंट के अंदर मदद मिलती है। टेलीमेडिसिन के कई फायदे हैं, पेशेंट को अननेसेसरी ले जाना नहीं पड़ता, शॉर्ट डिस्टेंस हो तो भी नहीं ले जाना पड़ता है, कम कॉस्ट के ऊपर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और जल्दी से उसकी रिकवरी शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स के लिए बहुत फ़ायदा है, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, टाइम कंस्टेंट अगर वो होता है तो क्विकली कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन दे सकते हैं और पेशेंट की रिकवरी पास हो जाती है। हॉस्पिटल और इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, बिकॉज टेलीमेडिसिन में मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, सिर्फ कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट और डॉक्टर की आवश्यकता होती है, आपको हर जगह बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की या डॉक्टर को पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। टेली कंसल्टेशन एक वो तरीका है, जब आपको कोई बीमारी होती है, आप किसी बड़े स्पेशलिस्ट से बात करना चाहते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट छोटी छोटी जगह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, आपको कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम है, आप हार्ट का वॉल्व बदलाना चाहते हैं, घुटना बदलाना चाहते हैं, नी बदलाना चाहते हैं या हिप जॉइंट रिप्लेस करना चाहते हैं, उस चीज़ के एक्सपर्ट छोटी दूर दराज में अवेलेबल नहीं हो सकते, बट आप अपना एक्सरे, एमआरआई टेलीमेडिसिन के द्वारा इन स्पेशलिस्ट से शेयर करें, आपको क्रिस्प ओपिनियन मिल जाएगी एंड यू कैन गो अहेड। प्रोबेबली अवर स्टेट इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड स्टेट जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। टेली कंसल्टेशन को आपको जो ज्योग्राफिकली डिस्टेंट और रिमोटली अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। एक छोटा सा ये स्लाइड आप पढ़िए बच्चे लोग, नो ट्रांसपोर्टेशन इज़ रिक्वायर्ड, नो नीड टू टेक ऑफ टाइम फ्रॉम वर्क। एक व्यक्ति है, लेबर है, वो सुबह से रात तक डिस्ट्रिक्ट या गांव में काम करता है, अपने ऑफिस में आप लोग जाते हैं, टेलीमेडिसिन के द्वारा आप फिक्स करके बिना आपकी दिनचर्या, बिना आपकी लाइवलीहुड और अर्निंग को अफेक्ट करके आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन मीट एनी वन ऑन डिमांड, एनी स्पीशीज यू वॉन्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको घंटों वेट करना पड़ सकता है, टेली कंसल्टेशन और मेडिसिन में आपको वेट की आवश्यकता नहीं है। तो इट इज़ गुड फॉर एक्सपर्ट्स, गुड फॉर द पेशेंट, एंड देयर आर मैनी टेली मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं, आपको डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं और अधिक से अधिक कम समय के अंदर आपको बेस्ट ओपिनियन मिल जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर मल्टीपल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एसोसिएशन जो टेली मेडिसिन को प्रमोट करती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं जस्ट विजुअली बताऊँगा इस व्यक्ति को, जो कि एक छोटे से गांव में था और उसको
ये एक ही व्यक्ति था जो अपने घर के लिए लाइवलीहुड अर्न करता था, उसको मैसिव कार्डियक प्रॉब्लम हुई, समय के ऊपर उसका ईसीजी बड़े सेंटर में शेयर किया गया। अगर ये शेयर नहीं किया जाता और उसको ट्रीटमेंट समय पे नहीं मिलता, ये पर्सन कार्डियक फेलियर के कारण वी कुड हैव लॉस्ट इट, और इसको समय पे इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिला। एक आपके नॉलेज के लिए, आप ही सभी जानते हैं, किसी के परिवार में कोई बीमार होता है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसके कोई टेस्ट होते हैं, सीटी एमआरआई होता है, ये सारी इमेजेस आप किसी भी दूर दराज में किसी डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के द्वारा शेयर कर सकते हैं। और आजकल तो एक नया और इनोवेशन हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप आ गए हैं। कोई भी छोटी जगह अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप होगा, उसको पेशेंट को टच किया जा सकता है और रिमोट और टेलीमेडिसिन के द्वारा डॉक्टर दूर दराज एरिया में उसकी धड़कन सुन सकता है, लंग्स की फाइंडिंग देख सकता है और पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि ये डिसीजन टेकिंग के अंदर हमें बहुत हेल्प करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीमेडिसिन कई तरह का होता है, एक पेशेंट आपसे जुड़ सकता है, मल्टीपल पेशेंट जुड़ सकते हैं, मल्टीपल डॉक्टर से आप लोग जुड़ सकते हैं, सो इट इज़ ए काइंड ऑफ ए कॉन्फ्रेंस। एक उदाहरण पे देखिए, एक ये बच्चा है, इसको सांस की तकलीफ है, इसको एक गांव में पफ की जरूरत है जो सांस की बीमारी के लिए दिया जाता है, बट टेलीमेडिसिन के द्वारा उसको आप लेने का तरीका सिखा सकते हैं। दूसरा, आप पेशेंट को देखिए कि उनकी डोजेज एडजस्ट करनी पड़ती है, वो टेलीमेडिसिन के द्वारा आप किया जा सकता है। और भी इसके कई फायदे हैं, मेडिकल एजुकेशन में और पेशेंट केयर के अंदर भी इसको बहुत हेल्प किया जा सकता है। आपको जान के खुशी होगी, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जाम्स, देर आर लॉट ऑफ वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल टीचिंग इज डन, देर आर लॉट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस आर बींग ओपन, एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर वर्ल्ड कैन ज्वाइन थ्रू टेलीमेडिकेशन एंड टीच देम ऑल द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द डिजीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी नॉलेज को अपग्रेड करता है, हमारी पेशेंट केयर को अपग्रेड करता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करता है, क्योंकि इसके द्वारा जो क्रिटिकल पेशेंट है उन्हीं को हायर सेंटर पे बुलाया जाएगा, जो नॉन क्रिटिकल पेशेंट है उनको इस टेलीमेडिसिन के द्वारा एडवाइस करके वहीं होल्ड किया जा सकता है। अतः ये लॉट ऑफ इकोनॉमिकल मॉडल भी है, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी एंड एक्सपेंडिचर से बचा जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और द बेनिफिट्स टू द पेशेंट, जब मैं आपसे बात करूँगा तो बताऊँगा कि इससे कितना है। आपको उदाहरण के तौर पर कुछ मेडिकल इमरजेंसीज होती है। ट्रूली स्पीकिंग, अभी यहाँ आने के पहले मैं कंसल्ट कर रहा था, जयपुर के ज्वेलर है जिनको बैंकॉक में स्ट्रोक हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, और मैं आने के पहले पूरा फ़ोन के ऊपर मेरे पास एमआरआई आया, मैं उनको सारा ट्रीटमेंट गाइड कर रहा था बिकॉज देर इज़ ए लॉट ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, एंड विद इन फ्यू मिनट्स उनका घर पे ही ब्लड क्लॉट डिजॉल्व करने का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। सारी ड्रग्स मैंने उनको बता दी और हॉस्पिटल में जाने के जब तक वो पहुँचे उनका लॉस ऑफ स्पीच हो गया था। बैंकॉक अगर आप लोग गए हो तो वहाँ ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो 2-2.5 घंटे बाद जब हॉस्पिटल में पहुँचे, जब तक उनकी स्पीच रिगेन हो गई थी, ब्लड थिनिंग मेडिसिंस मैंने सारी बता दी, वो उनका टिंगलिंग रिकवर हो गया था। एंड उसका नुकसान ये हुआ कि पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचते ही बोलता है मुझे एडमिट नहीं होना है, मुझे वापस घर जाना है। सो दैट्स अ वे एडवांटेज ऑफ द टेलीमेडिसिन दैट जस्ट बिफोर कमिंग वी वर हैंडलिंग ए क्लॉट, बिकॉज 2.5 घंटे उनको ट्रांसपोर्ट में लगते हैं। तो आप लोग भी इसको बहुत अच्छा, इसको स्ट्रोक, टेलीमेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी। एक वेरी इंटरेस्टिंग, आजकल जो ICUs होते हैं, जब अपना कोई नियर एंड डियर ICU में होता है तो आपकी इच्छा होती है हम कंट्री, स्टेट और वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस ICU के जो पैरामीटर्स होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड होते हैं, आप सिंपल इस तरह के रूम में आप टेलीमेडिसिन शुरू कर सकते हैं और इस तरह के सिंपल इक्विपमेंट से आप कनेक्टिविटी मैनेज कर सकते हैं और ICUs आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि सारे पैरामीटर्स जो ICU में आपके मॉनिटर पर आ रहे हैं वो आप ये फ्यूचर ICUs है। आप देखिए, देयर इज़ ए वन डॉक्टर मैनेजिंग द होल ICU और ये सारे पैरामीटर्स जो भी एक्सपर्ट इन द रेस्पेक्टिव फील्ड है उनको चले जाते हैं और उनके द्वारा हम बेस्ट पॉसिबल हैंडल कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, हमारा प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज़ द बेस्ट इन द कंट्री,
कोविड में जो हमारे प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ विच इज़ द बेस्ट इन द कंट्री, टेलीमेडिसिन के द्वारा एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट वॉज कनेक्टेड। एंड मैं सोचता हूँ जो हमारा मिशन 2030 चल रहा है उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ कपल्ड अप विद द टेलीमेडिसिन, प्रोबेबली वी विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यही मेरा मानना है। दैट वॉज ए ब्रीफ आउटलुक वे आई वॉन्टेड टू गिव यू अबाउट टेलीमेडिसिन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सुधीर, आपने वो सारी बातें बताई जो जानने के लिए मैं भी जागरूक थी कि टेलीमेडिसिन होता क्या है। ये बेसिक है और मुझे लगता है अब बेसिक तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि टेलीमेडिसिन है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत है। सर, टेलीमेडिसिन को लेकर एक और बात कही जाती है कि इसे एक प्रयोग के तौर पर देखा जाता था जो आज वास्तविकता बनी है। खासकर कोरोना की बात करें तो कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। अगर मैं टेलीमेडिसिन के तौर की बात करूं, आने वाले दिनों में क्या ये ज़रूरत बन जाएगी कि ये रूरल एरियाज में भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं या जिस तरीके से सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती हैं तो टेलीमेडिसिन एक क्रांति के तौर पर देखा जाएगा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, टेलीमेडिसिन एक जीवन का नेसेसिटी हो गया है, इट इज़ नॉट लग्जरी। पहले मैं आपको एक कोविड का उदाहरण देना चाहूँगा। कोविड के समय हमने करीब 400 वर्चुअल मीटिंग्स की। आपको जान के खुशी होगी ऑनरेबल CM अशोक गहलोत साहब ने पर्सनली 400 प्लस वर्चुअल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया। और उनका उद्देश्य क्या था वर्चुअल मीटिंग्स का, कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है, कैसे कोविड पेशेंट को हैंडल किया जाए, कैसे कोविड पेशेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए, ये हमने टेलीमेडिसिन और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कोने कोने में पहुंचाया और उसको हमें बहुत रिजल्ट अच्छे मिले। आपको जान के खुशी होगी कोविड में सेकेंड वेव में पूरे देश में मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट 4-8% थी और हमारे प्रदेश में डेथ रेट 0.4-0.8% था। आपने एक नाम सुना होगा, एक ब्लैक फंगस नामक का इन्फेक्शन कोविड के समय हुआ था जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। पूरे भारत में 17 राज्यों में ब्लैक फंगस हुआ था, सबसे अधिक महाराष्ट्र में, सेकंड राजस्थान में हुआ था। और ब्लैक फंगस में डेथ रेट होती है 30-40%। आपको जान के खुशी होगी यही टेलीमेडिसिन था, यही हमारा सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर था, यही हमारी तत्परता थी और अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स हमारे स्टेट में थी कि नंबर ऑफ केसेस में हम नंबर 2 में थे और रिकवरी में हम नंबर 1 पे थे और डेथ रेट में हम भारत में लास्ट थे। ये सभी पॉसिबल हो गया, हमने प्रोटोकॉल बनाया, पूरे राजस्थान में टेलीमेडिसिन के द्वारा प्रोटोकॉल सर्कुलेट किया, पूरे डॉक्टर्स को पूरे राजस्थान में सेंसिटाइज किया कि अगर किसी पेशेंट में ये लक्षण होते हैं तो आप तुरंत उसको ब्लैक फंगस के लिए जाँचें, MRI कराएं, ये लक्षण होते हैं तो आप उनको तुरंत ट्रीटमेंट दें। तो टेलीमेडिसिन ने कपल्ड अप विद द वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट हमारे को कोविड को विन ओवर करने में बहुत मदद मिली। और अब ये प्रूवन हो गया है कि टेलीमेडिसिन एक बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात कही कि किस तरीके से, देखिए कोरोना के वक्त में टेलीमेडिसिन ने न सिर्फ प्रदेश की जनता को की मदद की बल्कि कह सकते हैं कि डेथ रेट को भी किस तरीके से कम किया। खासकर ब्लैक फंगस की जो बात की उसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रदेश के लिए भी और जो हमारे डॉक्टर्स हैं खासकर कोरोना के वक्त वो काम कर रहे थे। डॉक्टर सुधीर, क्योंकि बात टेलीमेडिसिन की चल रही है तो डॉक्टर्स के लिए ये कितने फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उस वक्त हम देख रहे थे कोरोना के वक्त डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल थे और ब्लैक फंगस जब आया तो इसने एक और दहशत में डाल दिया था लोगों को कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मास्क लगाना भी ज़रूरी है, कुछ ऐसे मिथ भी थे मास्क लगाने की वजह से भी ये हो रहा है। बट ये डॉक्टर्स के लिए कैसे टेलीमेडिसिन बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर उन्हें कुछ डायग्नोस करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो ये उनके लिए कैसे बेनिफिट वाले होते हैं? इट इज़ सो ट्रू, टेलीमेडिसिन के द्वारा देयर वाज अ ट्रेमेंडस कनेक्टिविटी अमंग डॉक्टर्स। अगर मैं कोविड का एग्जाम्पल दूं, डॉक्टर सुधीर अगर थोड़ा सा माइक आप ऊपर कर ले तो लोग बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। डेफिनेटली टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है।
अगर मैं डॉक्टर्स का एग्जांपल दूं, जब कोविड आया था इट वाज ए न्यू, बहुत कम लोगों को हमें मालूम था कि इसमें क्या करना है। आपको जान के खुशी होगी कि वी वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जब कोविड आया था मार्च 20 में, हमने वर्ल्ड में पहली बार हमने एक ब्रिज क्रिएट करने की कोशिश की बिटवीन पॉइंट ऑफ नो ट्रीटमेंट टू द पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। और आपने सुना होगा हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक ड्रग को यूज़ किया, जिसके लिए मेरे पास यूनाइटेड नेशंस और व्हाइट हाउस से भी क्वेरीज आई थी। अब आप रोल ऑफ टेलीमेडिसिन सुनिए। जब हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ किया, जब रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं था, हमने इमीडिएटली वर्चुअल मीटिंग्स की थ्रू टेलीमेडिसिन। हमने दूर दराज ईच एंड एवरी डॉक्टर और पैरामेडिकल को कनेक्ट किया और प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट बताया। इससे डॉक्टर्स में आपस में इतना इंटरेक्शन हुआ कि वी कुड रीच टू ए कंक्लूजन एंड हमने पेशेंट को काफ़ी हद तक क्योर और सेव किया। इसके अलावा जब मेजर वेव आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ट पॉसिबल इन द वर्ल्ड क्रिएट किया गया। और इस टेलीमेडिसिन के द्वारा हमने जो प्रोटोकॉल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाए, प्रोटोकॉल्स ऑफ डायग्नोसिस बनाए एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए, ऑलमोस्ट जैसा मैं बता चुका हूँ 400 से ज़्यादा हमने वर्चुअल मीटिंग की। ईच वर्चुअल मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। CM सर ने डॉक्टर की तरह हर टेलीमेडिसिन वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया और मुझे लगता है कि अब उनकी भी नॉलेज एक डॉक्टर के बराबर हो गई होगी। और ही वॉज वेरी श्योर कि हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के लोगों में हम नॉलेज को ट्रांसफ़र करें, हम उनको मैथोडोलॉजीज़ बताएं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाए ये बताएं। तो बेसिकली द ओवरऑल सक्सेस ऑफ अवर कोविड प्रोग्राम वॉज बिकॉज ऑफ वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, वंडरफुल यूज ऑफ टेलीमेडिसिन एंड द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ अवर गवर्नमेंट विच वॉज आउटस्टैंडिंग। सो टेलीमेडिसिन के माध्यम के द्वारा हम लोग इसको काफ़ी सक्सेसफुली हैंडल कर पाए। इतना ही नहीं, ऑनरेबल CM का एक बहुत बड़ा मोटो है निरोगी राजस्थान, प्रिवेंटिव मैथोडोलॉजीज। आपने देखा होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 75 साल पहले हमारे यहाँ इन्फेक्शियस डिजीजेस थी, डायरिया, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। उस समय एवरेज रेट लाइफ स्पान था 48 ईयर्स, आज हमारा लाइफ स्पान है 70 साल। बट डिजीज पैटर्न बदल गया है, हर 20 में से एक व्यक्ति डायबिटिक है, 100 में से 35 व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, 35-40% यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, 25-30% लोगों को स्ट्रोक हो रहा है। तो टेलीमेडिसिन के द्वारा ही जो ऑनरेबल CM का एक ड्रीम है निरोगी राजस्थान, इसका तात्पर्य है कि बीमारी को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे हमको पीरियोडिकली चेकअप कराया जाए, किस तरह अगर आप डायबिटिक हैं तो हर बार छोटे गाँव या डिस्ट्रिक्ट से बड़ी जगह आना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे टू प्रोवाइड द बेस्ट मेडिकल केयर टू द लास्ट पर्सन, ये इट इज़ अ ध्येय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और वो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा वर्चुअली अचीव कर पाएंगे। तो बेटर हेल्थ स्टेटस, प्रिवेंटिव हेल्थ स्टेटस। उदाहरण के तौर पे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, राजस्थान में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट नेशनल से बहुत कम है। जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी गवर्नमेंट का मेन ध्येय यह है कि बाय 2030 100% डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए ताकि मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम हो जाए। इसमें हमारा टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होगा। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन है छोटी जगह, द एक्सपर्ट्स एट द बिगर प्लेस आर देयर, दे विल गाइड डू दिस। 10 में से एक या जो क्रिटिकली हैंडल नहीं हो सकते उनको बड़ी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो ओवरऑल हेल्थ अपग्रेडेशन के लिए टेलीमेडिसिन और वर्चुअल कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। और इसकी देखा जाए तो शुरुआती ऑनरेबल CM ने खुद 400 से ज़्यादा हेल्थ वर्चुअल मीटिंग्स करके उन्होंने किया। जैसे कि सर ने कहा कि टेलीमेडिसिन क्यों आवश्यक है, और कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो अब टेलीमेडिसिन जो है वो बहुत पुराना है। सर ने अभी दिखाया भी था PPT के थ्रू कि इसका इतिहास पुराना रहा, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में, डॉक्टर सुधीर अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोरोना ने हम लोगों को जागरूक किया टेलीमेडिसिन हो कि हम कैसे एक दूर दराज गाँव में बैठ कर भी एक स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं, और ये हमने सीखा है। अगर बात करूं टेलीमेडिसिन के दौर पे, तो अब इसे हम रूरल एरियाज में कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि गांव के लोगों को ये समझा पाना, उन्हें इसके फायदे गिना पाना,
ये थोड़ा मुश्किल होता है धरातल पर अगर हम बात करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस फील्ड में भी काम कर रहे होंगे कि रूरल एरियाज तक इसे कैसे लेकर जाए। आपका कहना बिल्कुल सही है, कोविड ने हमको टेलीमेडिसिन और वर्चुअल मेडिसिन के बारे में सिखाया। आज 2/3 पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है मैम, अतः रूरल लोग वो होते हैं जो प्रतिदिन वर्क करते हैं, प्रतिदिन अर्न करते हैं और अपनी फैमिली को चलाते हैं, अतः उनके लिए इतना आवश्यक है टेलीमेडिसिन के द्वारा अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो अपने काम के समय के बाद में, वो ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ देयर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनको बेस्ट कंसल्टेशन मिल जाता है। न तो उनको अपना जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, न उनको गांव छोड़ के आने की ज़रूरत है। 80% लोगों में वर्चुअल मीटिंग और टेलीमेडिसिन के द्वारा काफ़ी हद तक पेशेंट को हैंडल किया जा सकता है। तो आप खुद देखें कि बिकॉज ऑफ वर्चुअल कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन, जहाँ 100 लोग गांव से पलायन करके बड़ी जगह आते थे, अब 80% को आने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपना रोजगार ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे से छोटे सब सेंटर PSC में बनाया कि उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और जो क्रिटिकली कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है जो टेलीमेडिसिन के द्वारा हमें पता लग जाएंगे कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, इसका एंजियोग्राफी का जरूरत है, इसको स्टेंट लगना है, तो ऑब्वियसली वही पेशेंट अब बड़े सेंटर पर आएंगे। तो आई थिंक द वर्चुअल कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन ने पूरा सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। आपका मानना बिल्कुल ठीक है कि रूरल पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा बूम साबित होगा। अभी आपने सर अपने प्रेजेंटेशन में टेली ICU भी दिखाया, तो ये जो आप ऑफिस दिखा रहे थे जिसकी तस्वीर हम सब ने देखी, जानना चाहूंगी इस सेटअप को लगाने में कितना खर्च होगा, क्योंकि अगर इस तरह का सेटअप रूरल एरियाज में हो जाए तो जाहिर सी बात है जो सपना आप लोग भी देख रहे हैं 2030 का जो मिशन लेकर चले हैं वो तुरंत पूरा हो जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा कि टेलीमेडिसिन में जो मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए होता है वो नेग्लिजिबल कॉस्ट का होता है। आपको कंप्यूटर चाहिए होता है, आपको सर्वर चाहिए होता है, आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी चाहिए होती है। मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने फैमिली के साथ फेस टाइम करते होंगे, आप अपना ग्रुप फैमिली चैट करते होंगे, ग्रुप मीटिंग करते होंगे। तो आजकल जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं वो बहुत ही ऑनलाइन कनेक्ट किए जा सकते हैं। जो मैंने ICU बताया, ये पूरे देश में इंटरनेशनली तो एक्सपेक्टेड है। ICU में जो आप मॉनिटर देखते हैं वो आपको ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता है, चाहे आप ICU में बैठे बैठे उस मॉनिटर को देखें या आप अगले किसी बड़ी सिटी में देखें, और आपको गाइडेंस दे दिया जाता है कि इसको इस मात्रा में ये दवाई दी जाए। सो देयर इज़ सो मच ऑफ एडवांसमेंट इन द वर्चुअलिटी इन द मेडिकल मैनेजमेंट, और ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम हो गया है। मैं सोचता हूँ इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड बेटरमेंट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ आवर स्टेट। चैलेंजेस की बात कर ले, टेलीमेडिसिन की अगर चैलेंजेस की बात करें तो क्या चैलेंजेस अभी भी आप लोग फेस कर रहे हैं, और सरकार से, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार से, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, इसके चैलेंजेस दो फ्रंट पे है, चैलेंजेस एट द पेशेंट लेवल एंड चैलेंजेस एट द डॉक्टर्स लेवल। पेशेंट लेवल में टेलीमेडिसिन के द्वारा कभी कभी जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं मिल पाता, बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो गेंस आर वेरी हाई। सो डेफिनेटली कभी कभी डॉक्टर पेशेंट के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करना चाहता है, ये एक चैलेंज होता है, बट देन इसके भी सॉल्यूशंस होते हैं। वो कई बार टेलीमेडिसिन के रिपीटेड कंसल्टेशन से फ्रेंडली हो जाता है। डॉक्टर्स के लेवल पे चैलेंज ये है कि कभी कभी कुछ डिजीजेज में पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। सिंपल बातचीत करने से, सिंपल टेस्ट रिपोर्ट देखने से निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। बट ये भी चैलेंज काफ़ी हद तक दूर हो सकता है जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, तो वो डिज़ायर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करके एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट से कम्युनिकेट कर देते हैं। सो डेफिनेटली देयर आर ऑलवेज इश्यूज विद एवरी टेक्नोलॉजी, बट गेंस और एडवांटेजेस इतने अधिक हैं कि इसको ग्रेजुअली ओवरकम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर भंडारी टेलीमेडिसिन के बारे में हमें बताने के लिए, और मुझे लगता है बहुत जो बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन्हें
जानकर यह हैरानी हुई होगी कि वो अपने अपने गांव में भी ये बात को बता सकते हैं कि आप चाहें तो अपने घर बैठे सिर्फ नेट के सहारे आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से जागरूकता फैलेगी तो जो मिशन लेकर आप लोग चल रहे हैं 2030 का वो पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर भंडारी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मेरे अंदर भी जिज्ञासा ये चीज थी कि हर चीज के लिए गाड़ी उठा के हॉस्पिटल तक जाने से अच्छा ये है कि घर से आप वो सारी चीज देख सकते हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो तो अचानक उसको फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर भंडारी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य